हाय दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए एपिसोड पे। एंड गाइज, आज फिर से एक बहुत ही ऑसम सी चीज लेके आया हूं आप लोगों के लिए। गाइज, एक अटैक है बेसिकली जो कि टाउन हॉल 11 ने टाउन हॉल 10 के ऊपर किया था, पर किसी भी एंगल से आपको जब मैं रिप्ले दिखाऊंगा आपको किसी भी एंगल से लगेगा नहीं कि एट लास्ट ये अटैक 3 स्टार हो पाएगा। ऐसे चीजों ने अटैक को 3 स्टार पॉसिबल बनाया, आप विश्वास नहीं करोगे। उन चीजों के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि वो चीजें भी 3 स्टार्स ला सकती हैं कोई अटैक में। फटाफट चलते हैं अटैक में, मैं आपको दिखाऊंगा। और सच बता रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा हैरान रहेंगे कि कैसे लास्ट में ये अटैक पॉसिबल हुआ 3 स्टार होना, और हमारे छोटे छोटे लैरीज, हमारे छोटे छोटे स्केलेटन्स ने कैसे 3 स्टार पॉसिबल किया इस बेस पर। फटाफट चलिए अटैक पे। सो गाइज, ये है ये बेस, और टाउन हॉल 10 का एक डिसेंट सा बेस है। टाउन हॉल 11 ने पावर पोशन यूज करके ये बेस को अटैक करा था विथ डिसेंट लेवल की हीरोज थे, बहुत ज़्यादा लेवल की हीरोज नहीं थे। पर अभी मैं आपको रीप्ले में बताता हूँ कि गाइज कैसी ट्रेजिडी होने वाली थी इस अटैक में, और कैसे हम लोग ने यहाँ पे जो है क्लच किया और किसी तरीके से ये अटैक को 3 स्टार पॉसिबल बनाया हमारे लैरीज ने, हमारे स्केलेटन्स ने। बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा था जब मैं ये रिप्ले देख रहा था कि किसी भी एंगल से पॉसिबल होगा ये 3 स्टार। मैं इसे लाइव देख रहा था गाइज, और मतलब सच बता रहा हूँ मैं। आप देखेंगे यहाँ पे बोविच अटैक था, जी बोविच अटैक था। तो वैसे बेसिकली सब कुछ ठीक ही गया था पहले इनिशियल स्टेज में। हमारा जो वॉल रेकर है वो अच्छे से वॉल को तोड़ के अंदर एंट्री ले रहा था, बाकी सारे ट्रूप्स फॉलो कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। पर कोर में जाके हमारे जब बोलर्स और विचेस थोड़े ड्राई हो गए, उसके बाद जो सीन रहा गाइज वो देखने लायक था, सच बता रहा हूँ। अभी आपको दिखने को मिल जाएगा कि कैसा सीन रहा था कोर में। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो सीज मशीन है उसने बहुत डीप पुश कर लिया बेस पे, और काम भी बहुत अच्छा कर रहा है। साइड में बहुत सारे एक बंच ऑफ बोलर्स एंड विचेस चले गए हैं जो कि यहाँ पे भी डिसेंट सब काम कर रहे हैं। अब आप कोर में देख सकते हैं हमारे जितने भी बोलर्स हैं जायंट बम की वजह से सारे के सारे बोलर्स ड्राई हो चुके हैं, दो एक विच पड़े हुए हैं, और बहुत सारे स्केलेटन्स घूम रहे हैं बेस में। अब गाइज यहाँ पे अब इस सिचुएशन तक अब मेरे को लग रहा था कि ये अटैक थोड़ा सा फेल्योर टाइप का हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोर में ज़्यादा कुछ बोलर्स जो बहुत सारी बड़ी आर्मी थी बोलर्स की वो बची नहीं थी। बहुत सारे ट्रूप्स मर चुके थे, विचेस बचे थे, पर वॉल्स जो थे वो हाई लेवल के थे, जायंट्स बचे थे। पर ठीक है, डिसेंट है। अभी थोड़ी देर बाद जब जायंट्स भी मर जाएंगे और कोर के जितने भी हमारे विचेस वगैरह है वो भी मर जाएंगे, तब ऐसा एक सिचुएशन बन जाएगा कि आपको लगेगा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। अभी जो सिचुएशन है गाइज वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे स्केलेटन्स घूम रहे हैं, एक बड़ा अच्छा आर्मी है, बोलर्स हैं, 4-5 बोलर्स हैं, कुछ विचेस हैं, क्वीन की एबिलिटी पड़ी हुई है, पर सिर्फ 20 लेवल की क्वीन है। अब थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि क्या होने वाला है सीन। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो था अटैक का वो इस सिचुएशन में था। क्वीन को टारगेट ले रहे थे डिफेंस, तो क्वीन की एबिलिटी पॉप करनी पड़ी, बहुत लो लेवल की क्वीन थी, और क्वीन ने 2-4 डिफेंस को निकाला। अब देखिए गाइज यहाँ पे कैसा मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चीज़। हमारे विचेस मर रहे हैं, बोलर्स भी मर रहे हैं, कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे। अभी भी लग रहा होगा कि भाई बहुत सारे ट्रूप्स बचे हैं, पर लिटरली कुछ नहीं बचेगा थोड़ी देर बाद। और मतलब बहुत ही पैनिकफुल अटैक होने वाला है, क्वीन डाउन होने वाली है। यस, क्वीन को 2-4 शॉट्स लगे और क्वीन भी डाउन। यहाँ पे एक कैनन पड़ा हुआ था जो कि थोड़ा सा थ्रेट दे रहा था इस अटैक में, और एक बोलर था, सिर्फ और सिर्फ एक बोलर जो मोटार के डैमेज की वजह से वो भी जो है वो डाउन हो जाएगा। और उसके बाद जो बचेगा गाइज वो है एक विच, सिर्फ एक सिंगल विच, एंड बहुत सारे लैरीज। आप देख सकते हैं ये लास्ट एक मोटर फायर होगा, और यहाँ पे हमारा एक बोलर जो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बोलर स्ट्रगल कर रहा है, और बहुत सारे लैरीज यहाँ से निकल रहे हैं। ये जो झुंड था गाइज, टाइम की इशू जो मैं बता रहा हूँ गाइज, टाइम की एक बहुत बड़ी इशू हो गई थी। मेरे को तो लग रहा था कि टाइम मतलब ठीक टाइम में ये जो वॉल्स है वो ओपन ही नहीं कर पाएंगे लैरीज, और आप देख सकते हैं सिर्फ 16 सेकंड्स बचे हैं, सिर्फ 15 सेकंड्स बचे थे, और एक बिल्कुल ही सब फिंगर क्रॉस थे हम लोग कि क्या लैरीज पहुंच पाएंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर लैरीज एंट्री ले रहे हैं। मोटार ने एक बार भी लैरीज को फायर नहीं किया, वो सिर्फ विच को फायर कर रहे थे, और लैरीज यहाँ पर पहुँच गए। तो मतलब मैं आपको बताऊँ, जब ये अटैक ओरिजिनली चल रहा था, लाइव चल रहा था, बस 4-5 सेकंड बचे थे, लैरीज बहुत कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, गए। अब लग रहा था कि पहुंच तो जाएंगे पर 3 स्टार नहीं हो पाएगा, पर फाइनल सेकंड में, बिल्कुल फाइनल सेकंड में उन्होंने क्लच किया और ये जो अटैक है 3 स्टार पॉसिबल बनाया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और गाइज मैं 2 अटैक्स मैंने रखे हुए हैं टाउन हॉल 9 के लिए जो मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बड़े ऑसम से स्ट्रेटजीज़ हैं और बिल्कुल यूनिक, आपने ऐसे अटैक्स देखे नहीं होंगे मेरे ख्याल से इन क्लैश ऑफ क्लैंस। तो दोनों अटैक के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक देना। मैं मिलूंगा गाइज नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अच्छे रहें गाइज, एंड एज यूजुअल जय हिंद।